जहां सड़क मार्ग पर रात करीब 11 बजे सिरस्का गांव के बस स्टैंड के समीप उस समय अफरा तफरी मच गई जिस समय एक ब्रेजा कार बिजली के पोल से टकराने के बाद कार में आग लग गई, जिसे देख स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे, जिन्होंने कार के अंदर ड्राइवर सीट पर घायल अवस्था में पड़े युवक को कार से बाहर निकाला और आग लगने की सूचना फायर विभाग को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने करीब 1.25 घंटे की भारी मशक्कत के बाद कार के अंदर लगे सीएनजी सिलेंडर को फटने से बचा लिया, नहीं तो सिलेंडर फटने से यहां के निवासियों के लिए भी बड़ा नुकसान हो सकता था। 11:03 पर हमारे पास सूचना आई थी कि गाड़ी में आग लगी कार में सिरस्का मोड़ पर दमदमा रोड पर, तो हमने तुरंत एक गाड़ी भेजी मौके पर। तो वहां जाकर देखा तो एक गाड़ी में आग लग गई थी और आग लगने से पहले गाड़ी एक्सीडेंट हो गई थी। उसमें एक जो ड्राइवर था उसको स्थानीय लोगों ने पहले निकाल लिया था घायल अवस्था में और फिर वो पुलिस को हवाले कर दिया गया। पुलिस वालों ने जो उनको हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया। आपको दिखाई दे रही आग की तस्वीरें सोहना दमदमा झील सड़क मार्ग पर स्थित सिरस्का गांव के बस स्टैंड के समीप की हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि एक ब्रेजा गाड़ी से आग की लपटें निकल रही हैं और कार धूं धूं कर जल रही है। अगर हम ये कहें कि यहां पर समय रहते फायर ब्रिगेड की गाड़ी अगर नहीं पहुंचती तो कार के अंदर लगे सीएनजी सिलेंडर में ब्लास्ट होना तय था, जो स्थानीय लोगों के लिए एक बड़ी मुसीबत पैदा कर सकता था। हालांकि स्थानीय लोगों के अथक प्रयासों के बाद भी कार चालक युवक की जान नहीं बच सकी, जिसके जान न बचने का कारण कार के अंदर जलना नहीं बल्कि बिजली के पोल से कार की हुई भयंकर भिड़ंत के दौरान सिर व माथे पर लगी गंभीर चोटें मानी जा रही हैं, जिसको आनन-फानन में सोहना सदर थाना पुलिस के द्वारा उपचार के लिए नागरिक अस्पताल भी लाया गया, लेकिन फिर भी उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। गाड़ी सर तुरंत ही वहां पर पहुंच गई थी जल्दी से जल्दी और वहां जाकर देखा तो उस जो कार थी उसके अंदर सीएनजी सिलेंडर लगा हुआ था, तो तुरंत ही हमारे जवानों ने एक्शन लेते हुए उसको बंद किया और आग को कंट्रोल कर लिया। अगर आग को समय रहते ना बुझाते तो एक बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि आसपास वहां आबादी भी थी, तो एक बड़ा हादसा हो सकता था, वो हमने कंट्रोल कर लिया। इसमें लगभग 1 से 1.25 घंटे हमें आग बुझाने में लगा। ब्रीजा गाड़ी थी मारुति की, लगभग गाड़ी जली गई पूर्ण रूप से। बता दें कि कार चालक मृतक युवक की पहचान दोहला गांव निवासी 32 वर्षीय मोहित राघव के रूप में हुई, जो कि सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम करता था और रात करीब 10:30 बजे किसी जरूरी कार्य के चलते अपने घर से सोहना के लिए अपनी ब्रेजा कार को लेकर आ रहा था। लेकिन जैसे ही उसकी कार सिरस्का व लोहटकी गांव के बस स्टैंड के समीप पहुंची तभी कार का संतुलन बिगड़ गया और कार सड़क किनारे लगे बिजली के पोल से टकरा गई, जो हादसे में मोहित की मौत हो गई। इस मामले में सोहना सदर थाना पुलिस ने मृतक मोहित के शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद मृतक के पिता के बयानों पर 174 सीआरपीसी के तहत कार्यवाही करते हुए शव को परिजनों के हवाले करते हुए मामले की आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। लेकिन देखना इस बात का होगा कि पुलिस जांच के दौरान गाड़ी के संतुलन बिगड़ने का असल कारण क्या सामने आता है। हरियाणा वरदान के लिए सोहना से संवाददाता विशाल राघव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।